नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। काफी लोग अभी भी बाढ़ के बीच फंसे हैं। उनके पास न तो खाने का कोई सामग्री है, न पहनने के लिए कपड़ा है और न ही पीने के लिए साफ पानी है। अभी तक ठीक से उनके पास राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निखिल व्यास, GBSM क्रिकेट क्लब, बालासिनोर सोसाइटी, कमला आशीष टावर, जैन संघ, इन संस्थाओं की तरफ से कोंकड़, महाड़, चिपलून के लोगों के लिए टेम्पो में भरकर कपड़े, खाने पीने की सामग्री, कंबल, चटाई जैसे जीवन आवश्यक वस्तुओं का यह टेम्पो भेजने का काम किया जा रहा है। यह नेक कार्य कांदिवली के विधायक योगेश सागर, भाजपा उत्तर मुंबई के महासचिव निखिल व्यास के प्रयास से यह पहला टेम्पो भेजा जा रहा है। सन्मान्य मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के आह्वान पर पूरे मुंबई भर में हर विधानसभा में हो रहा है, उत्तर मुंबई में भी खासदार गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से हो रहा है। कल योगेश सागर जी ने एक जल औषधि केंद्र के उद्घाटन के समय कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और बताया, उसी से प्रेरित होकर 24 घंटों में गन्नू बापा क्रिकेट क्लब, कमलाशीष टावर और बालासिनो सोसाइटी, जैन संघ, ये सभी के माध्यम से 1000 चटाई, टी शर्ट्स, ब्लैंकेट, पानी की बॉटल, टोपी, ऐसे अन्य जो जरूरत सामग्री है वो अब यहाँ से कोंकण के लिए रवाना हो रहा है। ऐसे भी हमारे मंडल के अध्यक्ष बाला तावड़े जी उपस्थित है, उनके और योगेश सागर जी के माध्यम से हर साल कोंकण वासियों के लिए, गणेश भक्तों के लिए बसेस जाती है। जलयुग शिवार के माध्यम से योगेश सागर जी ने 23 गांवों में पानी की समस्या सॉल्व करने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी है और उसी के तहत ये हमारा कर्तव्य है, हमारे भाइयों के लिए ये है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। बाला तावड़े जी ने बताया कि ये पहला लॉट है, आने वाले दिनों में और भी अन्य सामग्री की लॉट यहाँ से कांदिवली पश्चिम चारको विधानसभा से निकलने वाली है। नहीं, ऐसा है, कोंकण में ये एक साल के अंदर नैसर्गिक तीसरी आपत्ति आई है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कोंकण के लिए अपना मदद का हाथ दिया है, आने वाले समय में भी करेंगे। आने वाले समय में उनके जो परिवारों के घर उद्ध्वस्त हुए उसको भी जो भी चीज़ें लगेगी वो भारतीय जनता पार्टी मदद करेंगे। माननीय योगेश सागर जी के मार्गदर्शन में हम ये सब व्यवस्था के लिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। चार पाँच दिनों से कोंकण में, खास करके महाड़, चिपलूण, रत्नागिरी विभाग में जो बारिश का हैदोस हुआ है और जो नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, जान मालों का नुकसान हुआ है, उनके लोगों को कुछ मदद करनी चाहिए। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी की जो अपील थी उसके अनुसंधान में आज चारकोप विधानसभा क्षेत्र से हमारे जिला के महामंत्री निखिल व्यास, हमारे नगर सेवक बाला तावड़े, उनके माध्यम से हम लगभग 1000 प्लास्टिक की चटाइस है, उनके ब्लैंकेट्स हैं, टी शर्ट्स हैं और पहनने के कपड़े हैं, पानी की बॉटल्स है, ऐसा पहला लोड एक कोंकणवासी अपने जो बंधु है उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत अपील भी मेरे सभी कांदिवली के लोगों से है कि जो कुछ भी शक्य होगा अपने से, वो अपने ही बांधव कोंकण में इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उनका सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। सरकार जो कर सकेगी वो करेगी, नहीं करेगी सरकार के ऊपर डिपेंड रह करके वहाँ के लोगों की आशा पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को आप मदद करिए और इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराइए, किसी को भी कैश पैसा मत दीजिए, साधन उपलब्ध कराइए, BJP ऑफिस का संपर्क करें, हम वहाँ पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।